अगर आपको डैंड्रफ है तो वो सिर्फ आपको फ्लेकिंग देगा, लेकिन जब ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस बन जाता है तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस, सर्दियां आ गई हैं ऑब्वियसली, ऐसे में मैक्सिमम लोगों का डैंड्रफ का इशू बढ़ जाता है या बन जाता है जिनको नहीं भी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका चैनल पे, और आज हम एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन के बारे में बात करेंगे कि डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस में अंतर क्या है। अगर आपको डैंड्रफ बन रहा है तो वो डैंड्रफ ही है, या वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो कि एक मेडिकल कंडीशन है, एक डिसऑर्डर है, उसमें वो कन्वर्ट हो चुका है। वेल, अगर आपको डैंड्रफ है तो वो सिर्फ आपको फ्लेकिंग देगा, डेड स्किन की जो आपके सर से झड़ेगी कपड़ों पे, आप थिन फ्लेकिंग देख पाते हो, और ये शायद जब सीजन में ड्राइनेस होगी या कोल्ड वेदर होगा या कोल्ड एयर होगी तभी ये आपको सीजनल बनेगा। लेकिन जब ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस बन जाता है तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस, समझिएगा, ये जो एक मेडिकल कंडीशन होती है, ये इन्फ्लेमेशन होती है आपकी अपर मोस्ट लेयर की, जो एपिडर्मिस है उसका इन्फ्लेमेशन जब होने लग जाए, उसमें फ्लेकिंग ज़्यादा होने लग जाए, क्रस्टी जैसा कुछ लिक्विड निकलने लग जाए और मोटे मोटे फ्लेक्स निकले, बाल भी ज़्यादा टूटे उसके साथ, उस कंडीशन को हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। डर्मेटाइटिस, डर्मा एक वर्ड होता है स्किन की लेयर के लिए, और आइटिस हम इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो जब आपकी ऊपर की लेयर जो डर्मा है, स्किन की लेयर है, उसमें इन्फ्लेमेशन है, मतलब उसमें सूजन आ रही है किसी रीज़न की वजह से, और वो फ्लेकिंग मोटी मोटी कॉज कर रही है, डेड स्किन बनाई जा रही है जिसमें आपको कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस भी कभी कभार देखने को मिल जाते हैं, उसको हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। और ये सीजनल नहीं होती, ये कभी भी हो सकती है और ये आपको कॉन्स्टेंटली रह सकती है बॉडी में। जैसे डैंड्रफ का इशू अक्सर हम देखते हैं कि ड्राई सीजन में आ रहा है या विंटर्स आ रही हैं तभी आ रहा है और पतली सी फ्लेकिंग हो रही है, दैट्स इट। लेकिन सेबोरिक डर्मेटाइटिस आपको थ्रू आउट द ईयर रह सकती है, कभी भी हो सकती है, इससे सीजन का कोई लेना देना नहीं है। नाउ, डैंड्रफ में आपका जो एरिया इफेक्टेड है वो सिर्फ आपका स्कैल्प है, सिर्फ बालों में डैंड्रफ दिखेगा या कपड़ों पे झड़ जाएगा या आपके आसपास झड़ जाएगा। लेकिन सेबोरिक डर्मेटाइटिस में आपका स्कैल्प इन्वॉल्व होता है, बॉयज़ में स्पेशली जो बियर्ड एरिया है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है, आई लैशेज भी इन्वॉल्व होती हैं, जो चेस्ट के हेयर होते हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब ये इन्वॉल्वमेंट होने लगे और यहाँ के बालों पे भी आपको थोड़ी फ्लेकिंग दिखने लगे तो ये क्लियर हो जाता है कि ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, डैंड्रफ नहीं है। तो इससे आप पहचान सकते हैं, अगर आपको डैंड्रफ बन रहा है, अभी सीजन ऐसा चल रहा है, आपकी बीमारी डैंड्रफ है या सेबोरिक डर्मेटाइटिस है। यूजुअली जो डैंड्रफ है प्रोडक्ट्स यूज़ करके या जो प्रोडक्ट्स आपको सूट कर रहे हैं वो बदल के, वो यूज़ करके, स्विच करके, नॉर्मली ये टेम्परेरीली बेसिस पे होता है और ठीक हो जाता है महीने दो महीने में। लेकिन जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है इसमें आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये बीमारी क्रॉनिक हो जाती है, क्रॉनिक के साथ साथ ये कॉन्स्टेंटली चल रही है, और इसमें आपको ऐसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है जो आपके स्किन को मल्टीप्लाई होने से एबनॉर्मली रोके। नाउ, आप चाहें, अगर आपको डैंड्रफ है तो आप चाहें तो सिया के प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, हेयर ऑयल आप कर सकते हैं, स्कैल्प पे मसाज कर सकते हैं, शैम्पू से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर सेबोरिक डर्मेटाइटिस है तो प्रोडक्ट्स तो आप यूज़ कर पाएंगे सिया के, लेकिन साथ ही साथ आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है जो अंदर से जो इन्फ्लेमेशन हो रही है आपकी डर्मा की उसको कंट्रोल कर सके, और इसके लिए आपको मेडिसिंस का साथ लग सकता है। तो मेडिसिन से भी पहले ज़रूरी है कि आप डायग्नोसिस क्लियरली बनाएं कि ये डैंड्रफ है या सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, और इसको स्कैल्प सोरासिस से कंफ्यूज़ ना करें। तो हम और वीडियोस में, मैंने बहुत वीडियोस में बता रखा है कि स्कैल्प सोरासिस और सेबोरिक डर्मेटाइटिस में क्या अंतर होता है, वेल, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, और हम जानकारी के लिए आगे बनाते रहेंगे, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो नहीं सॉल्व हो रही और आप सोल्यूशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर इमेजेस भेज दीजिए, मुझसे आके मिल लीजिए, मेरी टीम से बात कर लीजिए और एक सही सोल्यूशन पा लीजिए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।